जोहार जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। राजस्थान के भरतपुर जिले के घाटमिका गांव के रहने वाले नासिर और जुनैद उर्फ जुना, इन दोनों की मर्डर केस में पुलिस ने 8 और लोगों को नामजद किया है। नासिर और जुनैद के जले हुए शव 16 फरवरी को हरियाणा के भिवानी के लोहारू में एक जली हुई कार में मिले थे। इस मामले में मृतकों के परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि नासिर और जुनैद की हत्या गौ रक्षकों द्वारा अगवा किए जाने के बाद की गई थी। अभी इस मामले में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने सोमवार को कहा कि राजस्थान पुलिस द्वारा हरियाणा पुलिस के सहयोग से सभी को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में अब नई और चौंका देने वाली जानकारी सामने आई है। जुनैद और नासिर की हत्या में केवल बजरंग दल के कथित गौरक्षक ही शामिल नहीं थे, बल्कि नई जानकारी के अनुसार हरियाणा की पुलिस भी इस हत्या में सहभागी है। जुनैद और नासिर शादी के लिए ससुराल गए हुए थे। आते वक्त बजरंग दल के गुंडे एक गाड़ी में और हरियाणा पुलिस के CIA यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की पुलिस दूसरी गाड़ी में, ऐसी दो गाड़ियों ने जुनैद और नासिर की बुलेरो को घेरा। उन्हें गाड़ी से बाहर निकालकर उनकी पिटाई बजरंग दल के गुंडों और हरियाणा पुलिस ने मिलकर की। उन दोनों की इतनी पिटाई की कि दोनों की हालत मरणासन्न हो गई। उसके बाद उन्हें हरियाणा के फिरोजपुर झिरका पुलिस थाने में लेकर जाया गया, लेकिन वहां के थाना प्रभारी ने उन्हें कस्टडी में लेने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, हरियाणा की पुलिस ने उन कथित गौरक्षकों को भी छोड़ दिया। उसके बाद बजरंग दल के लोग उन दोनों को लुहारू के जंगल में लेकर गए, उन्हें उनकी बुलेरो गाड़ी में बिठाया और फिर गाड़ी को आग लगा दी। यदि हरियाणा की पुलिस ने बजरंग दल के लोगों को वहीं पर गिरफ्तार कर लिया होता तो शायद नासिर जो है उसकी जान बच सकती थी, क्योंकि जुनैद की मौत तो तभी हो गई थी जब उसे पुलिस थाने लाया गया था। हरियाणा पुलिस ने नासिर को यदि मेडिकल हेल्प दी होती, उसे अस्पताल में भर्ती कराया होता, तो भी नासिर की जान को बचाया जा सकता था। हरियाणा की CIA का काम क्राइम की तफसील करना और उसे रोकने का होता है, लेकिन यहाँ तो खुद पुलिस ही क्राइम को अंजाम देने में लगी हुई है। शायद यह भाजपा की ओर से आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले देश में एक धार्मिक या सांप्रदायिक माहौल बनाने का षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है। इन सब के बीच भरतपुर के गोपालगढ़ थाने के थाना प्रभारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वह जुनैद और नासिर की हत्या को जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। वायरल वीडियो में थाना प्रभारी राम नरेश 3 बड़े दावे कर रहे हैं। पहला दावा ये कि जुनैद पर पहले से ही गौ तस्करी के 4-5 मामले दर्ज है। दूसरा दावा ये कि वह पुलिस की वांटेड लिस्ट में, यानी जुनैद जो है वो पुलिस की वांटेड लिस्ट में है और उस पर 4,000 रुपए का इनाम है। और तीसरा दावा ये कि जुनैद के गांव वालों ने ही बजरंग दल के लोगों को जुनैद और नासिर के बारे में जानकारी देने का काम किया। जब हमने स्थानीय सूत्रों से जानकारी ली तो हमने पाया कि गोपालगढ़ थाना प्रभारी राम नरेश के दूसरे दो दावे जो है वो झूठे हैं और मनगढ़ंत है। पहला दावा सही है कि जुनैद पर गौ तस्करी के आरोप है और वह मामले कोर्ट में चल रहे हैं। गौरतलब है कि उनमें से कोई एक मामला भी सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए जुनैद को गौ तस्कर कहना या मानना सही नहीं है। ऐसे कई सारे आरोप आए दिन मुसलमानों पर लगते हैं। एक मामला उत्तर प्रदेश के दादरी का भी था, जिसमें अखलाक की हत्या इसलिए की गई थी कि क्योंकि लोगों को यह शक था कि अखलाक के फ्रिज में गाय का मांस है, पर यूपी सरकार की ही रिपोर्ट में बताया गया कि वह बीफ नहीं, गाय का मांस नहीं, बल्कि मटन था। इसलिए ऐसे कई सारे आरोप मुसलमानों पर होते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको सजा देने का काम पुलिस और अदालत के बाहर जाकर कथित गौरक्षकों का है। गोपालगढ़ के थाना प्रभारी अपने वायरल वीडियो के जरिए यह बताने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं कि जुनैद और नासिर की हत्या जायज है क्योंकि वे गौ तस्कर थे। यहाँ गौर करने वाली एक और बात है, वो ये
कि जुनैद पर गौ तस्करी के कुछ मामले थे भी, लेकिन नासिर पर ऐसा एक भी मामला दर्ज नहीं था। यानी बजरंग दल व हरियाणा पुलिस ने उन दोनों की हत्या इसलिए नहीं की क्योंकि वे गौ तस्कर थे, बल्कि उसके पीछे शायद कोई राजनीतिक मकसद हो सकता है। इस मामले में राजस्थान पुलिस ने अब तक एक आरोपी रिंकू सैनी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। रिंकू सैनी ने यह कबूल कर लिया है कि वह और उसके साथियों ने मिलकर जुनैद की हत्या की है। इस मामले में मोनू मानेसर, अनिल मुरथल और विकास आर्य मुख्य आरोपी है। इनके अलावा अन्य लोग भी हैं जिनके नाम राजस्थान पुलिस ने FIR में दर्ज किए हैं। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर के मुताबिक इस मामले में नामजद किए गए लोगों में से कम 3 अभियुक्तों के हरियाणा के नूह जिले की पुलिस के साथ करीबी संबंध रहे हैं। ये तीनों अभियुक्त पुलिस को गौ तस्करी से जुड़ी जानकारी मुहैया कराते थे। यही नहीं, इनके पुलिस के साथ छापा मारे जाने की भी जानकारी सामने आई है। द इंडियन एक्सप्रेस को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि नूह जिले की फिरोजपुर झिरका और नगीना पुलिस स्टेशन में पिछले 2 महीनों में दर्ज कम से कम 4 FIR में रिंकू सैनी, लोकेश सिंगला और श्रीकांत को मुखबिर बताया गया है। मुख्य आरोपी मोनू मानेसर पर इसके पहले भी ऐसी वारदातों को अंजाम देने के कई मामले दर्ज है। इससे यह दिखाई दे रहा है कि हरियाणा सरकार ने इन लोगों को खुली छूट दे रखी है और वह उसका पूरा फायदा ले रहे हैं। अब इनके लिए बजरंग दल के लोग आंदोलन कर रहे हैं, यानी वे इन हत्याओं को जायज मानते हैं। नामों से तो ये आरोपी OBC और जाट प्रतीत होते हैं, जैसे रिंकू सैनी माली जाति का है। संघ के लोग बड़े पैमाने पर OBC का मुसलमानों के विरोध में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि वह OBC का इस्तेमाल मुसलमानों का विरोध करने के लिए नहीं करते, बल्कि OBC को मानसिक रूप से गुलाम बनाकर अपनी राजनीति के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। अगर वामन मेश्राम के शब्दों में कहा जाए तो RSS जो है वो तीर मुसलमानों पर जरूर चलाता है, पर उसका निशाना मुसलमान नहीं होता बल्कि OBC होता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि बजरंग दल या संघ परिवार उन पकड़े जाने वाले OBC और जाट लोगों से अपना पल्ला झाड़ ले और ये कहे कि उनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ऐसा इससे पहले भी RSS ने किया हुआ है। ब्राह्मणों की नीति है इस्तेमाल करो और फेंक दो। पहले वे मुसलमानों के विरोध में OBC युवकों के मन में घृणा निर्माण करते हैं, बाद में उसी घृणा को मुसलमानों के खिलाफ दंगे या इस प्रकार की वारदात को अंजाम देने के लिए उपयोग करते हैं और फिर से उन्हीं OBCओं का, खासकर युवकों का, अपनी राजनीति के लिए उपयोग करते हैं। इससे मुसलमानों के मुकाबले में OBC का ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इस बात को OBC युवकों ने समझ लेना चाहिए, अन्यथा उनका केवल इस्तेमाल होते रहेगा और वे अपने साथ अपने आने वाली पीढ़ियों का भी नुकसान करते रहेंगे। इस बात को मुस्लिमों ने भी समझना चाहिए। 1947 के बाद से अब तक भारत के मुसलमानों ने कभी भी देश के मजलूमों, यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड क्लास, यानी SC ST OBC को पहचानने और उनके साथ एकता बनाने का काम नहीं किया है, जबकि यह उनके लिए एक धार्मिक आदेश था। यह बात कुरान में लिखी है कि मजलूमों ने मजलूमों के साथ इत्तेहाद करना और जालिमों से लड़ना चाहिए। मगर 1947 के बाद भारत के मुस्लिमों ने कांग्रेस जैसी जालिमों का साथ दिया और उसे मजबूत करने का काम किया। कांग्रेस यह मूलतः ब्राह्मणों का संगठन है। भारत के मुस्लिमों ने कांग्रेस को मजबूत किया और कांग्रेस ने फिर ब्राह्मणों को मजबूत किया। जैसे जैसे भारत में ब्राह्मण मजबूत होते गए, वैसे वैसे उन्होंने RSS को मजबूत करने का काम किया और उसकी वजह से RSS के मजबूत होने की वजह से उनके तमाम संगठन भी मजबूत हुए, जैसे भाजपा या बजरंग दल। यानी भारत के मुसलमानों ने प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस यानी ब्राह्मणों को मजबूत किया और अप्रत्यक्ष रूप से RSS यानी ब्राह्मणों को ही मजबूत करने का काम किया, जिसका नतीजा अब उनके सामने है।
1947 में जिस कांग्रेस ने भारत के टुकड़े किए थे, उसी कांग्रेस को मुसलमानों ने आंख बंद करके समर्थन किया। यह समर्थन कम से कम 1977 तक यानी इंदिरा गांधी द्वारा भारत में आपातकाल घोषित करने तक रहा। 1952 से 1977 तक देश में कांग्रेस थी, कांग्रेस का राज था, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तब भी लोकसभा में मुस्लिम सांसद सिर्फ 2-7% ही थे। उसके बाद देश में क्षेत्रीय दलों की ताकत बढ़ने लगी और जैसे जैसे अलग अलग राज्यों में वहां के क्षेत्रीय दलों की ताकत बढ़ने लगी, वैसे वैसे वहां के मुसलमान उन दलों की ओर खिसकते चले गए। उन क्षेत्रीय दलों की ताकत बढ़ाने के लिए भी मुसलमानों ने कोई प्रयास नहीं किए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनका समर्थन कांग्रेस को ही मिलता रहा। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की ही बात करें तो कांग्रेस को 19.5% वोट शेयर मिला था, उसमें से 15% वोट शेयर तो अकेले मुसलमानों का था। अब वे आरएसएस और बीजेपी का समर्थन करते हुए कुछ जगहों पर दिखाई दे रहे हैं। शायद ऐसा करने के पीछे मुसलमानों की यह सोच है कि अगर हमने आरएसएस और बीजेपी का समर्थन किया तो वे उनकी पिटाई और हत्याएं नहीं करेंगे, लेकिन यह मुसलमानों की गलत सोच है, बिल्कुल गलत सोच है। आरएसएस बीजेपी मुसलमानों का विरोध करते रहेंगे क्योंकि मुसलमानों के विरोध में घृणा फैलाने के बाद ही उन्हें यानी आरएसएस को एससी एसटी ओबीसी का हिंदू के नाम पर इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। शायद यह बात मुसलमानों के समझ में नहीं आ रही, इसलिए वे आज की तारीख में आरएसएस और बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। मुसलमानों का यह व्यवहार जहां दम वहां हम इस वाला है, लेकिन वह दम बनाने के लिए मुसलमानों ने कोई पहल नहीं की है, ऐसा कोई प्रयास नहीं किया है। मुसलमान अपनी सुरक्षा को प्राथमिक देते हुए दिखाई देते हैं, उसे कांग्रेस भाजपा का डर दिखाकर वोट हासिल करता है। इसके उलट ब्राह्मण अपनी सुरक्षा से ज्यादा अपना विकल्प तैयार करने को ज्यादा महत्व देता है। अगर बात करें देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की, तो पिछले कई विधानसभा चुनाव में ज्यादातर ब्राह्मण वोट शेयर भाजपा को मिला है। 2007 के विधानसभा में जब बहन मायावती की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी थी तब भी, और जब 2012 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी थी तब भी लगभग 40% ब्राह्मण वोट शेयर भाजपा को ही मिला था। और जब 2017 और 2022 में विधानसभा चुनाव हुए तब तो भाजपा को मिला हुआ ब्राह्मणों का वोट शेयर और भी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन मुसलमान अपना विकल्प तैयार करने के लिए वोट नहीं करते, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, उसे ध्यान में रखते हुए वोट देते हैं। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग राजनीतिक दल डरे हुए मुसलमानों को और ज्यादा डराकर उनके वोट बटोरने का काम करते हैं। इसलिए न उनके मतों की कोई कीमत रह गई है और न ही कोई राजनीतिक दल उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयास करते हैं। कुरान के जरिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को यह आदेश दिया है कि मजलूमों के साथ इत्तेहाद बनाना होगा। यदि मुसलमान भारत में मजलूम है तो उन्होंने अन्य मजलूमों को साथ में लेना चाहिए था या उन्हें अपना साथ सहयोग देना चाहिए था। इत्तेहाद तो बाद में होगा, पहले तो ये पहचानने की आवश्यकता है कि देश में मजलूम कौन है। क्या आज तक भारत के किसी मुस्लिम तंजीम ने यानी संगठन ने यह पहचानने का काम किया कि भारत में मजलूम कौन है? पिछले 2000 सालों से एससी एसटी ओबीसी इस देश के मजलूम है। यह बात आधुनिक भारत में राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले जी, राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और अन्य कई महापुरुषों ने कही है। पिछले 200 साल से इस देश में इस पर चर्चा हो रही है और इस बात को भारतीय संविधान ने भी स्वीकार लिया है कि एससी एसटी ओबीसी इस देश के मजलूम है। बावजूद इसके मुस्लिम कयादतों ने यानी उनकी लीडरशिप ने उनके साथ एकता निर्माण करने के लिए कोई पहल नहीं की। हम मुसलमानों ने पहल नहीं की इस बात पर इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि वे जिस कुरान को मानते हैं
दिन में 5 बार जिस पर सर रखते हैं उसी में अल्लाह ताला ने उन्हें यह आदेश दिया है। एससी एसटी ओबीसी के लिए कोई धार्मिक आदेश नहीं है। अब कुछ मुस्लिम ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने उदित राज या फिर चंद्रशेखर रावण जैसों को साथ सहयोग दिया था या दिया है या दे रहे हैं, लेकिन क्या ये लोग देश में मजलूमों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? ऐसे लोग तो कांग्रेस के पैसों से ब्राह्मण मनिया मीडिया ने थोपे हुए नेता है। मुस्लिम लोग ब्राह्मण मनिया मीडिया ने समाज पर थोपे हुए लोगों को ही मजलूमों के नेता मानते हैं, और असल में जो लोग मजलूमों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें साथ सहयोग नहीं देते। इसका नतीजा ये होता है कि मुस्लिम समुदाय वहां पर भी ठग दिया जाता है। यह परिस्थिति अब भी बदली जा सकती है, बशर्ते अगर वे यानी मुस्लिम मजलूमों के साथ इत्तेहाद बनाने के लिए पहल करते हैं, तो एससी एसटी ओबीसी का ब्राह्मणों द्वारा हो रहा इस्तेमाल वे रोक सकते हैं। लेकिन आज भी अगर मुस्लिम समुदाय इन बातों को समझकर कार्य नहीं करता तो उनका वर्तमान और भविष्य दोनों भी खतरे में है।